हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन सेंटर वेब पेज में फिर से आपका स्वागत है। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बेल्ट्रॉन का जो आप लोग डीओ पद के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे उसका एग्ज़ाम डेट को जारी कर दिया गया है। जो डीओ पद का जो फॉर्म आप लोग भरे थे इसका एग्ज़ाम डेट को जारी कर दिया गया है। आइए नोटिस को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नोटिस दिया है, डीओ का एग्जामिनेशन नोटिस है, जो आपको हम पढ़ कर बता दे रहा हूँ। एक मिनट दोस्त, यहाँ से हम डाउनलोड कर लिए मेन वेबसाइट पर, यहाँ इसको पढ़िए। लेकिन जो मार्च अप्रैल 2019 में आप संपन्न विज्ञापन 17/54/19 दिनांक 8/3/2019 को ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से रजिस्टर कराए हुए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि संविदा पर आधारित नियोजन सूचीबद्ध के लिए आयोजित की जाने वाली दक्षता परीक्षा नवंबर दिसंबर 2019 में आयोजित की जा रही है, जो कि जिसका प्रारंभ 27 नवंबर से हो जाएगा। 27 नवंबर से आपका एग्जाम डेट को रखा गया है। परीक्षा पटना में आपको TCS आइकॉन के परीक्षा केंद्र पर आयोजित होगी। जो आपका एग्ज़ाम होगा TCS आइकॉन जो है आपका वो लेगा एग्ज़ाम, आपको परीक्षा केंद्र पर आयोजित होगी। प्रस्तुत दक्षता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBT पर परीक्षा आपको ली जाएगी। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर का ज्ञान की परीक्षा होगी, जो कि परीक्षा 1 घंटा की होगी, जिसका 60 वरिष्ठ होगा। MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, जिसमें आपको उत्तीर्ण होने के लिए आपको 50% अंक लाना होगा। जब आप 50% अंक लेकर आइएगा तब आप पास कर जाइएगा। पास करने के लिए आपको 50% होना जरूरी है। MCQ की परीक्षा की सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन जो NIOS की डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 336 की समान होगा, जिससे इससे सूचना के साथ प्रकाशित किया जा रहा है। NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड 336 के संबंध होगा, जिसके इसके सूचना को प्रकाशित किया जा रहा है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण के पश्चात टाइपिंग दक्षता परीक्षा में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण जो भी विद्यार्थी होंगे टाइपिंग की दक्षता परीक्षा को आयोजित की जाएगी, जिसकी विधिवत सूचना आपको समाचार पत्र या वेबसाइट पर माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। ठीक है दोस्त, हिंदी और अंग्रेजी आपको 10 मिनट की दोनों टेस्ट के बीच 10 मिनट के अंतराल होंगे। जो आपका हिंदी और इंग्लिश 10-10 मिनट का दोनों अंतराल पर आपको टाइपिंग टेस्ट को लिया जाएगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट जो कि मंगल फॉन्ट होना चाहिए आपको, ठीक है, जो होगा आपका मंगल फॉन्ट होना चाहिए। रिगमेंट कॉल द वर्ड द की वर्ड पर ली जाएगी। न्यूनतम आपको 30 करेक्ट वर्ड और हिंदी में आपको 25 WBM करेक्ट वर्ड होगा। इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आधारित अप डेवलपमेंट के सूचीबद्ध के एक पूल का निर्माण किया जाएगा, जो कि पूल में सभी आरक्षण कोटियों के अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्याओं में सुनिश्चित निर्धारित दक्षता का स्तर। महिलाओं को अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 10%, दिव्यांगों को 15% और अनुक्रम अभ्यर्थियों को फिर बेल्ट्रॉन द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। डीओ के मानदेय का निर्धारित पद राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। जो भी आपका वेतन जो होगा आपका, जो कि डीओ का मानदेय निर्धारित राज्य सरकार के द्वारा आपको किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी का विभाग द्वारा अधिक सूचित किया जाता है कि मानदेय राशि समय समय पर राज्य सरकार के स्तर पर पुनरीक्षण के होता है, जो बेल्ट्रॉन के केवल अनुपालन किया जाता है। बेल्ट्रॉन द्वारा आपका अनुपालन किया जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण या पुल सूचीबद्ध की राज्य सरकार द्वारा बेल्ट्रॉन की नियुक्ति का कोई आधार के कारण नहीं है।
ठीक है दोस्त, आपका जो भी एग्ज़ाम है आप डीओ का 27 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये फाइनली डेट है आपका। ठीक हो, चलते हैं आप सिलेबस की ओर। सिलेबस देखते हैं कौन कौन सा सिलेबस है इसमें, कंप्यूटर बेस्ड में पूछा जाएगा आपको। नोटिस में देख लीजिए, आते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए यहाँ पर आपका डीओ का सिलेबस दे दिया है आपको, जो यहाँ से हम डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए डाटा एंट्री ऑपरेशन यानी कि कोड 336 NIOS, बेसिक कंप्यूटर से पूछा जाएगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपका एडमिट दिया हुआ है आपको, इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, मेल मैरिज, और आगे चलते हैं इसको देखते हैं। इसी प्रकार आप देख लीजिएगा, इसी प्रकार जो भी आपका सिलेबस होगा आपको देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे डॉक्टर, ऐसी बेसिक एसक्यूएल सेट है, फॉर्मेटिंग वर्क सेट है, और फार्मूला जो फंक्शन है आपका, क्रिएटिंग है, प्रोसेसिंग है, तरह तरह का आपका सिलेबस, इसको देख लीजिए। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, थैंक्स। वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नए मेरे नए चैनल पर हैं तब लोग सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। डीओ का जो एग्ज़ाम डेट है आपका 27 नवंबर से शुरू हो जाएगा। थैंक्स दोस्त।